मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में 27 साल का इतिहास तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता बनाई है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है 27 सालों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी 2.0 की सरकार दोबारा आई है। और भारतीय जनता पार्टी का दो पार्टियों ने प्रमुखता से साथ दिया था, पहली पार्टी अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी और दूसरी पार्टी निषाद पार्टी। निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का बेहद ही सहयोग किया दूसरी बार सरकार बनाने के लिए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद मौजूद है, जिनकी जर्नी के बारे में आज उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को सहयोग के लिए। सर, भगवान राम का जब राज तिलक हो रहा था तो उनके एक प्रमुख साथी थे निषाद राज। भारतीय जनता पार्टी राम भगवान का मुद्दा काफी लंबे समय से लेकर के खड़ी है और आप मेन सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, तो आपकी जो मित्रता है वो निषाद राज और भगवान राम की मित्रता की तरह देखी जाए भारतीय जनता पार्टी से? पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति कि दुनिया के लोग यहाँ ज्ञान लेने आते थे, इसे गुरुओं का देश कहा जाता था। और एक ऐसा गुरुकुल था जिसमें दो कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राजकुल के। और भगवान श्री रामचंद्र के आत्म बाल सखा महाराजा गुराज निषाद थे, उनका ननिहाल फैजाबाद में था। और जब वनगमन के को गए मर्यादा बन पुरुषोत्तम बन के, तो अपने बड़े भाई निषाद राज गुराज महाराज से मिले और जब गले लगे तो सबसे पहले उन्होंने कहा, हे राम, मित्र थे हो, आगे भी रहोगे, लेकिन आज के बाद आपके अंदर एक डिवाइन कैपेसिटी है, आप आज के बाद भगवान का स्वरूप है और मैं पहले आपके अंदर भगवान का स्वरूप देख लिया और आपकी आप ही के मान के है कि रावण राज खत्म होगा और राम राज ला सकते हो और लो सेना, आप मेरी सेना देकर रावण राज लाओ। तो वो कभी उन्होंने अपनी सेना दे के रावण राज खत्म करके राम राज लाया था। राम राज लाने का रहा कि सबों को, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी हो, सभी प्रजा सुखी हो, कोई दुखी ना हो। भगवान राम के कैबिनेट में जब पहली बैठक हुई, जब लौट के आए 14 वर्षों के बाद, तो सबसे पहले अतिथि के रूप में अगर किसी को उन्होंने बुलाया और सम्मान किया था तो भगवान मतलब महाराजा गुराज निषाद को। तो आज के दिन में मैं तो धन्यवाद हूँ, अपने को धन्य हूँ और धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी, नड्डा साहब और धर्मेंद्र प्रधान जी को कि उन्होंने अपनी इस माननीय योगी आदित्यनाथ की इस टीम में एक निषाद राज के वंशज को जो जगह दी है और गले लगाया और निषाद राज के वंशज के बेटे को और उस कैबिनेट में एक जगह दिया है कि जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था और संघर्ष करके उन्हें जो कभी मुगलों से कभी अंग्रेज़ों से लड़े और उन्होंने कानून बना के उजाड़ा था और पिछली सरकारों ने उन्हें कानून बनाकर उन्हें तहस नहस किया था, उन्हें सत्ता के सुख से कोसों दूर किया था, सताए गए थे और विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर थे, उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए हमें अवसर दिया, उसे मैं बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिलाई, आपको जीत दिलाई, अब उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने की आपकी बारी, क्या कुछ रोडमैप है उत्तर प्रदेश की जनता की विकास का? देखिए, मैं तो बधाई दूंगा कि जनता को बधाई दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सब जो सहयोगी रहे हैं। आज के दिन में ढेर सारे सहयोगी दलों ने भी समर्थन किया था, ढेर सारे सामाजिक संगठन ने प्रदेश में समर्थन किया था कि मोदी जी की जो नीति थी और अमित शाह जी का जो प्रबंधन था और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन था उस पर जनता ने मोहर लगाई, विश्वास किया, समर्थन किया, दिल से लगाया, उसे फिर से सुदृढ़ किया जाएगा और फिर से इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना जाएगा और जो कुछ भी उसमें कमियां उसे दुरुस्त किया। इसीलिए उसके लिए अभी 100 दिन का एक प्रोग्राम तय हुआ है कि 100 दिन के अंदर हमें क्या कार्य प्रणाली है उसे दिखाना होगा, 100 दिन में हम क्या कर सकते हैं, 6 महीने में क्या कर सकते हैं, 1 साल में क्या कर सकते हैं, 1.5 साल में क्या कर सकते हैं, 2 साल में क्या कर सकते हैं, 2024 में चुनाव है, उससे पहले हम क्या साबित कर सकते हैं जनता के सामने कि हमें आसानी से जनता को पुनः आशीर्वाद प्राप्त हो कि मोदी जी को दिल्ली की गद्दी बैठा जाए, और तो 5 साल में हम क्या कर सकते हैं, सारा रोड मैप तैयार हो रहा, हर विभागों का अलग अलग मॉनिटरिंग है। पहली बार मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रमुख सचिव मतलब जो ब्यूरोक्रेसी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए एक ही साथ बैठक कराया और दोनों उस समीक्षा में जो है प्रेजेंटेशन था कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि उसे मॉनिटरिंग करें और उसे धरातल पर 100 दिन के अंदर लाएं। मऊ की कई विधानसभाओं में जब आप और अनुप्रिया पटेल प्रचार प्रसार के लिए गए 2022 के चुनाव के लिए, तो निषाद समुदाय का एक भारी हुजूम देखने को मिला था, अब निषाद समुदाय के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं?
भाई मैंने उनसे कहा था कि भाई देखो कि पिछली सरकारों ने तुम्हें इस तरीके से काम किया है और हमारे वजह से आपके समुदाय को जो एक विभाग है जो आप नदियों में काम करते हो मछली मारते हो या पेशागत आपका पेशा बन परंपरागत आप ट्रेडिशनल फिशरमैन हो, लेकिन पिछली सरकारों ने आपके इस मंत्रालय के अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था आपकी रोजी रोटी छीन लिया था और आपको जो कानून भारत आज़ाद होने के बाद था कि आपको अनुदान या सहायता देके फिर आपको बसाया जाएगा, लेकिन पिछली सरकारों की गलत नीतियों के नाते आज के दिन में आप कोसों दूर हो उस व्यवस्था से, आपके इस पैसे पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा। माननीय मोदी जी से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आवाज़ को सुना, अमित शाह जी ने, कि मत्स्य मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग किया और इस बिरादरी के, लेकिन टेक्निकल रूप से उस मछुआरों में आया, उनसे मैंने बताया भाई उत्तर प्रदेश में भी मंत्रालय अलग होगा, निश्चित रूप से वादा किया, धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रालय अलग किया और पहला कैबिनेट बनाया और कैबिनेट मंत्री हमें बनाया है। लेकिन गलत देखिए होता कि जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं होता उसके साथ उस समाज के साथ बहुत अन्याय होता है। मतलब फिशरमैन का ये मंत्रालय हो और लेदर मैन के लिए रिजर्वेशन हो और लेदर मैन को 60% सब्सिडी दी जाए, उस पर प्रस्ताव भेजा है और उनको दुरुस्त करने के लिए कि इस समुदाय को जो वादा करके आए थे कि आपके साथ मछुआरों के साथ हर बिरादरी के लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, उन्हें साधन संसाधन दिए जाएंगे। तो मत्स्य मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, इसमें हम तीन काम होगा, इससे एक तो रोजगार मिलेंगे युवाओं को, उन्हें प्रेरित किया जाएगा, मोटिवेशन किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, डिमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जो इसमें जो मत्स्य सफल मत्स्य पालक हैं उनके साथ इन्हें तालमेल मिलाया जाएगा, इनका जो फिशरीज पार्लर खोला जाएगा, फिशरीज जो है पॉइंट खोले जाएंगे, फिश पॉइंट खोले जाएंगे, मार्केटिंग ये सब किया जाएगा। दूसरा प्रोटीन युक्त खाद्यान्न का विकास होगा जो हमारे वहाँ जो कैलोरीज की कमी है, और तीसरा हम रेवेन्यू भी बढ़ा लेंगे, इसका हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए वादा किया था। तो वो हम धन्यवाद हैं कि जिस समाज के लिए संघर्ष कर रहा था उसी की सेवा मिल गया। दूसरा मैंने जनता से कहा था कि भाई कभी इस देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था, मोदी जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि पहले भी खाना दिया जाता था वो खाना पूर्ति होता था, अब पूरा खाना दिया जा रहा है, ऐसे में आप लोग समझ को, और उसे पहली कैबिनेट में माननीय योगी जी ने उसे 3 महीने के लिए एक्सटेंशन किया, केंद्र ने भी एक्सटेंशन किया, तो गरीबों के लिए पहली कलम चलाने का अवसर अगर एक मछुआरे को बेटा मिला हो तो मैं उसे ही रामराज कहता हूँ कि जो गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था। बिल्कुल, दो नाम लेना चाहूँगी जिनकी जुगलबंदी खूब देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव में, और उनके लिए बस दो दो लाइन आप सुनना चाहूँगी। पहला नाम ओम प्रकाश राजभर, दूसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी जुगलबंदी खूब चली थी चुनाव के दौरान। देखिए मैं तो अब क्या बताऊँ ओम प्रकाश भैया का, कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित भी मार्शल कौम रहा है, और सुहेल देव राजभर को गाजी आला गाजी ने हत्या की रही हो और गलती पर गलती करते चले गए। मैं मना किया कि जब आप जीरो थे 2017 में भारतीय जनता पार्टी गले लगाई, आप चुनाव लड़े और कैबिनेट मिनिस्टर बने, आपके विधायक जीत के आए, तो आप हीरो बन गए, हीरो बनते मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे हसीन, और नतीजा हो गया उनके सलाहकारों ने ऐसा उन्हें बीमार बना दिया कि आँख की पट्टी आ गई, उन्हें समझ ही नहीं आया कि नेता वो ना कि उसे कल क्या होने वाला है, बुद्धिमान वो है कि कल भविष्य में क्या होने वाला है, बुद्धिमान वो कि गरीबों वंचितों के लिए क्या सही समय पर सही निर्णय देता हो। तो ऐसे में उनका निर्णय हम तो मानते हैं कि गलत था और समाज के हित में नहीं था, और समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, समाज किसी के पॉकेट में नहीं रहता, नीतियों के साथ रहता, चूँकि नीति से भविष्य बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी हर एक बिरादरी की नीति बनाती है। आज स्वामी भैया को क्या कहूँ, अब वो खुद ही स्वामी हैं और ऐसे स्वामी हो गए कि आज के दिन में जब तक रसगुल्ला था रसगुल्ले में चीनी था तब तक तो यहाँ थे, अब चुनाव आयोग ने जैसे चीनी ख़त्म कर दिया, उससे पहले तक मंचों पर हमारे पूरे के पूरे जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों के अमित शाह जी के प्रबंधन को और योगी आदित्यनाथ के सुशासन को खुद बयां करते थे, खुद पढ़ते थे इलेक्शन चुनाव आचार संहिता तक कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी अच्छी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन अब क्या बीमारी पकड़ लिया कि उधर चले गए। हमको लगता है कि ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे, समाज की सेवा करें और इस देश में सभी लोगों को बराबर का हकदार हैं। लगातार विपक्ष इल्ज़ाम लगा रही है कि गुंडई हो रही है, जबरन उनसे पर्चा छीना जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपको विपक्ष के इल्ज़ामों पर? देखिए एक तो कहावत कहा गया ना कि
जिस तरह की भावना होती है उसी तरीके से दिखता है। जो लोग जब कर चुके हैं, जिस तरीके से शासन चला चुके हैं, उनको दिमाग में रखता है कि इसी तरीके से अगला भी करेगा। आज के दिन में उत्तर प्रदेश से तो गुंडे ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं। माफिया राज क्या था, कि बुलडोज़र किस पर चल रहा था, कि कौन उस पर पीड़ित था, क्यों आज के दिन में अगर माफियाओं को गले लगाना ही तो इन्हें महंगा पड़ रहा है। आज भी इन्हें सुधर जाना चाहिए कि कम से कम उनसे दूरी बना लें जो गरीबों को। निषाद जी, आपने बुलडोजर की भी बात करी है, बुलडोजर से मुझे एक वाक्य याद आ गया। लोगों का भय, लोग जो गुंडे बदमाश है उनको बेहद भय है बुलडोजर का, बुलडोजर से वो डरते हैं। कई जगह तो ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि बुलडोजर के डर से क्रिमिनल खुद सामने आ गए। लेकिन नोएडा में हालांकि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका आदेश आ गया अधिकारियों को, किसी गरीब पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आज ही उनका थोड़ी वक्त पहले ही आदेश आया है, लेकिन जो गरीबों पे नोएडा में कुछ गरीबों पे चल गया था या वो गलती से कह ले बुलडोजर, उन पे क्या कहना है? देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कहीं भी कोई भी अपराध होता है या कोई भी गरीबों के साथ अन्याय होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे कहीं की घटना हो, तुरंत जाते हैं तत्पर। शायद उतना बड़ा, उतना एक्टिव मुख्यमंत्री 70 साल में नहीं देखा कि घटना पर खुद जाता हो और खुद उस पर कार्रवाई का निर्देश देता हो और खुद जो है उस पर उनको जेल भिजवाते हैं। तो निश्चित रूप से जाँच करके दोषियों को जेल भिजवाते हैं। तो जो जो ऐसे प्रकरण आते हैं तो अधिकारियों, कुछ अधिकारी, मैंने पहले भी कहा था कि अंदर से हाथी और साइकिल हैं और ऊपर से कमल हैं, तो उनके अंदर जो है वो वही होती है कि वो अपने उस मर्यादा को, उस नियमावली को लांग जाते हैं कि गरीबों की सेवा के लिए अधिकारी बने हैं। गरीबों के पैसे से, गरीबों के टैक्स से ही उन्हें तनख्वाह मिलती है। गरीबों को सेवा, गरीबों को न्याय, गरीबों को सुरक्षा, गरीबों के अंदर जो है उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें विकास की धारा लाने के लिए अधिकारी नियुक्त हुए हैं, न कि उनके ऊपर बुलडोजर चला के दहशत। दहशत तो उनके हैं कि जो गरीबों को सताते हैं, गरीबों के साथ दहशत भरा माहौल पैदा करते हैं, उनके अंदर जो है खौफ पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये नियम बनाया था। तो ऐसे तो घटनाएं हैं और वो तो घटी जाती हैं और निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगा। और अपराधी हो तो लगभग अपराधी मुक्त हो गए, 2-4 बचे होंगे, वो भी 2-4 महीना में सब खत्म हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा, गरीब खुश है, ऐतिहासिक मत दे रहा। सबसे अच्छी बात कि महिलाएँ जो असुरक्षित महसूस कर रही थी वो सुरक्षित हो गई और ऐतिहासिक मत दिया, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। महिलाओं का कितना आप सहयोग देखते हैं 2022 की प्रचंड जीत में, महिलाओं का कितनी भागीदारी? हमारे यहाँ तो खुद ही हमारे यहाँ महिला मोर्चा है, महिलाएं जो है सबसे आगे आती है। हमारे यहाँ अपनी मीटिंगों में तो आधे से अधिक है, क्योंकि महिलाएं ही परिवार पालती है, महिलाओं के बच्चा का पोषण करती है, महिलाएं ही मेहमान को खाना खिलाती है, महिलाएं ही घर की मालकिन कही जाती हैं। तो घर का थाली तो खाली था ना, मोदी जी ने, योगी ने भर दिया, महिलाएं खुश हो गई। आज महिलाओं के नाम से योजनाएं चली, अब तक कहीं ना महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देता था, लेकिन धन्य हो मोदी जी योगी जी कि जो भी मकान बने हैं, शौचालय बने हैं, जो भी योजना आती है, मैक्सिमम लोग महिलाओं के। अभी पहले सिगरेटी गाँव जाता है तो दौड़ के पुरुष जाता है, कुछ आया भाई हम गरीब आदमी हैं, तो वो तो कहता भाई आया तो है लेकिन तुम्हारी बीवी के नाम से आया है महिलाओं। तो वो औरतें खुश हो जाती हैं कि कम से कम कोई तो पूछा, आधी आबादी महिलाओं की है, यही वो माँ है, बेटी है, बड़ी संख्या में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण जो किया है भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए धन्यवाद है। और महिलाओं को साथ में लाया और राजनीति में भी लाया, उन्हें सम्मान भी दिया, सुरक्षा भी दिया, न्याय भी दिया, उसकी देन है कि महिलाओं ने अटेस्ट भी किया कि हम इस नीति का समर्थन करते हैं और वोट देते हैं, मोदी योगी के साथ हैं और इस नीति को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए। निषाद जी, आपका जो पूरा परिवार है वो समाज सेवा में है। अगर हम लोग चुनाव कवरेज के दौरान गोरखपुर की बेल्ट में गए तो हमने देखा कि किस तरह से आप लोग जमीनी लेवल पे सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं, आपके दोनों बेटे भी विधायक सांसद, और आप तो अब किस तरह से और आप गोरखपुर की जनता के लिए आगे आकर और उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद में हमें पढ़ने को अवसर मिला कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, और राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से, बट एक रियल गॉड इज इन द डेमोक्रेसी इज द वोटर। असली भगवान जो है वोटर है इस लोकतंत्र। तो जब वोटर वोटर भगवान है तो हम भगवान के दरवाजे पर उनकी सेवा के लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें जनता जनार्दन की सेवा ही भगवान की सेवा है। आज उनको सताया गया 70 साल से नीतियों को, तो उसके खिलाफ तो खड़ा मैंने बताया कि भाई इनके लिए मिल आपका पूरा परिवार, तो निश्चित रूप से परिवार में है। हमारे यहाँ निषाद मछुआ समुदाय में ढेर सारे नेता है, महेंद्र सिंह राजपूत,
क्योंकि लोधी राजपूत हैं, धनीराम वर्मा है, वर्मा लिखते हैं, जो वर्मा में काला पानी की सजा दे दिया था अंग्रेजों ने, तो धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, धूरी बिंद, जमुना निषाद, पूलन देवी, दर्जनों नेता हमारी आंखों के सामने मारे गए। इसलिए मारे गए कि इसे एक मछुआ समुदाय जो कमज़ोर समुदाय है और ये उपेक्षित समुदाय है और इस देश को आज़ाद कराने वाला एक गौरवशाली इतिहास रहा है, निषाद राज का वंशज रहा है, इस देश को राष्ट्रवाद के नाते नदियों में अंग्रेजों को डुबो के मारा, अंग्रेजों को मारा, उन्हें कानून से उजाड़ा, ये उजड़ा हुआ परिवार है। ऐसे परिवार के लोगों का अगर नुमाइंदी कोई करने आता कि इसे भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, संविधान में लिखा हुआ सुरक्षा मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए जो है, तो ये चीज़ों के जो भी इसमें आए उन नेताओं को मरवा दिया गया, मरवा दिया गया। तो अगर सारे नेता मारे गए तो मेरा नंबर लगा, तो मैं जब कफन में बांध निकला तो हम दूसरे बेटे को क्यों, पहले अपने बेटे को शहीद करने के लिए साथ मिलाया कि हमारा बेटा आए, अपनी नौकरी छोड़ के आए, अपना सब कुछ आए, समाज की सेवा करे, दूसरा भी नौकरी छुड़वाया, तीसरा भी, परिवार को मैंने कहा भाई आप सामाजिक ईमानदार हो कि पहले अपने परिवार के लोग जमीन पर उतरो, अपने परिवार के लोग धूप में चलो, अपने परिवार के लोग रेल रोको, अपने परिवार के लोगों को सड़क पर हम बैठेंगे तब दूसरे के परिवार को कह सकते हैं। तो जब हम खुद करेंगे तो देख के हमारा जो कार्यकर्ता है वो करता है, तो इसलिए हम लोग सब सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से हम लोग पूरे परिवार से, ये संघर्षों का परिवार है, आगे बढ़ता रहेगा। और हमारे पास अकेले नहीं परिवार रहते, पूरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता परिवार हैं, इनके बाद वही नंबर है, उन्हीं को राजनीति में आगे बढ़ाना लाना। जी निषाद जी, अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे खबर आई, हालांकि मैं सुबह से थोड़ी व्यस्त थी तो मैं इस खबर को ध्यान नहीं दे पाई, अभी मुझे खबर पता चली थोड़ी वक्त पहले जब मैं रास्ते में आ रही थी कि आपके आवास पे जो लोहिया जी की मूर्ति है उसको सुरक्षित रखने के लिए ढका गया है, ऐसा क्यों? देखिए, अब लोहिया के नाम पर नुमाइंदगी करने वाले लोग आज देख लो समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद में जब उनको अवसर मिला तो किस तरीके से भेदभाव हुआ। समाजवाद मतलब सबका, आज मोदी जी बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ सभी बिरादरी, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आज के दिन में सपा और बसपा थी कांग्रेस, तो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए किस तरीके समाजवाद का हनन किया गया। असली में तो समाजवाद हम लोगों के दिल में बसता है ना, कि सभी जाति धर्म के लिए लोहिया हैं, वो हमारे प्रतीक हैं, पिछली सरकार ने उन्हें ढका था और अब हम आए हैं तो निश्चित रूप से हम सरकार से बात करेंगे कि लोहिया की नीति हम लोग लागू किए हैं तो लोहिया को भी आगे किया जाए और हर जाति हर बिरादरी जी, मतलब आपकी पार्टी के द्वारा नहीं ढका जा रहा है। निश्चित रूप से नहीं, हम कहते हैं हमारे जाने से पहले ढका गया, कौन ढका क्या कैसे ढका था, बाद में पता चला उनके अंदर लोहिया की मूर्ति है। लेकिन अब हम सरकार से कहेंगे भाई लोहिया की नीतियों का पालन आप कर रहे हो, लोहिया के जो सपने हैं मोदी और योगी साकार कर रहे हैं, लोहिया के एक ही सपना था, सभी जाति के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, सब बिना भेदभाव के सब लोगों को गले राजनीति का एक हिस्सेदारी बननी चाहिए। तो आज इस लोहिया के सारे नियमों को, सारे नीति को मोदी जी योगी जी लगा रहे हैं, तो हमको लगता था कि लोहिया के लिए सबसे बड़ा काम तो भारतीय जनता पार्टी करें। मैं उनसे कहूँगा कि लोहिया को ओपन किया जाए और उनको अपना कर मान असली में समाजवाद भारतीय जनता पार्टी कैसे, तो और छद्म समाजवादी को तो जनता ने वैसे नकार दिया सपा और बसपा को कि दलित के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई चार बार, लेकिन दलितों के न्याय और सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए एक भी काम नहीं किया। कुछ वही 2-3 हज़ार चंगू मंगू हीरो हो गए, बाकी अभी गांव का दलित देखो कैसे दलदल में है। लेकिन आज दलितों को कोई पूछा तो मोदी जी ने पूछा ना, घर नहीं है, खेत नहीं है, अनाज नहीं है, अनाज शिक्षा नहीं था, उन्होंने किया। पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी करने वाले कभी पिछड़ों के नाम पर दो कानून नहीं बनाया। आज मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को, कि आज के दिन में कई जिलों में पिछड़ों के बच्चों के लिए आवासीय सुविधा दी जा रही, हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, काम तो मोदी जी योगी कर रहे हैं ना कि पिछड़ों के बच्चों को भी शिक्षा मिले, उसके लिए हॉस्टल बनाकर उन्हें दिया जा रहा। तो आज के दिन में इतना बड़ा काम कोई और नहीं कर सकता। पिछड़ों की जो पिछड़ा वर्ग आयोग था संविधान के दायरे में मोदी जी ने लाया, शिक्षा में आरक्षण नहीं था, नौकरी में आरक्षण था, लेकिन शिक्षा में आरक्षण किसने दिया, मोदी जी ने दिया है। तो हम कहते हैं कि जब ज्ञान रहेगा तभी तो विकास हो पाएगा। तो मोदी असली में तो पिछड़ों को आगे मतलब उनके विकास हो सके, उन्हें भी सुरक्षा न्याय मिल सके, दलितों को। तो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही, NDA कर रही, तो हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे,
जो मछुआरा हालांकि वैसे महिलाओं के लिए तमाम नियम कानून अब आए हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से महिलाएं शांत वोटर के रूप में आ गए हैं और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई, इससे दिखता है कि महिलाएं अब सशक्त हो चुकी हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं। ऐसे में जो मछुआरे समाज की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और किस तरह की ओर निकल, क्या ऐसा प्रेरित वाले शब्द आप कहना चाहेंगे कि उस समाज की महिलाएं भी अब आगे आए और इक्वल भागीदारी ले। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को और योगी जी को कि उनका विजन हर एक वर्ग, महिला भी एक वर्ग है, पुरुष भी एक वर्ग है, अल्पसंख्यक भी एक वर्ग है, जातियां भी एक वर्ग है। अभी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जिसमें 20,000 करोड़ रुपया जो वित्त मंत्री ने केंद्र का उसमें इशू किया, उसमें 9,000 करोड़ रुपया इनलैंड का था और 11,000 करोड़ कोस्टल लैंड का था, और वहाँ से आया कि SC ST महिलाओं को 60% सब्सिडी दी अनुदान। तो इनको अब महिलाओं को 60% सब्सिडी देकर उनमें लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो लेदरमैन और महिलाओं का आ गया हूँ मैं इनका, अब उसमें फिशरमैन छूट गया था, तो अभी मैंने एक लेटर लिखा कि भाई उसमें फिशरमैन भी जोड़ दिया जाए। तो महिलाओं को लाकर उन्हें सशक्त करके उनके हाथ में व्यवसाय देकर उनको असली मालकिन बनाकर, भाई आपके हाथ में जो भी मुनाफा होगा, जो भी काम होगा, जो भी आज मालिक हैं, आपके नाम से योजनाओं का लाभ दिया जाए। उसके लिए छूट भी दिया कि अगर उनके नाम से ज़मीनें नहीं हैं तो लीज पर ले सकती हैं हम, और उनके नाम से खोज, कम से कम पुरुष को एक अवसर आएगा, कम से कम 60% सब्सिडी लेना, चलो महिला को आगे करो। महिलाओं की खाली कभी ट्रेन में टिकट लेना होता था तो लाइन लंबी पुरुषों को लेती थी, महिलाओं को तो महिला को कहते थे भाई आप तुम जाओ बगल से खिड़की में, तुम्हारे लिए अलग से रिजर्वेशन। तो केवल महिलाओं का इस्तेमाल वहाँ होता था कि आगे करते थे टिकट लेने के लिए। तो मोदी जी योगी जी ने कहा नहीं, महिलाओं को आगे करो व्यापार के लिए, हमारे यहाँ विकास के लिए करो और अपने पास सेल्फ एंटेनमेंट, वो खुद आत्मनिर्भर बन सके। तो मत्स्य मंत्रालय उन्हें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, अभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, उसके लिए पोर्टल खुल रहे हैं, जल्दी से आवेदन होंगे और इनको मोटिवेशन किया जाएगा, इनको आगे पुश किया जाएगा कि ये अपने बिल्कुल प्रचंड बहुमत दिया आपको जनता ने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया 2017 में एक, 2022 में 11 सीटें, किस तरह से धन्यवाद देंगे आप जनता को हमारी टीवी के माध्यम से? देखिए मैं चुनाव नहीं चुनौती स्वीकार करता हूँ, और उस चुनौती में मैंने 10 सीटें ऐसी ली थी 15 में कि जो कभी कमल जीत नहीं पाया था 2017 में, और मैंने उस 9 सीट में से 7 सीट जीती है, और ऐसे ऐसी सीट देखी कि 40-40 साल से वहाँ विधायक मंत्री रहे और भाजपा कभी जीती नहीं, तो उसे हमें जिता दिया। और धन्यवाद दूंगा मोदी जी योगी जी को कि जिस तरीके से अपने दल को प्रचार करते थे, अपने दल के लोगों को तन मन धन से उन्हें के लगाते थे, उससे कहीं ज़्यादा निषाद पार्टी के लिए मोदी जी प्रचार में आए, योगी जी प्रचार में, अमित शाह, नड्डा साहब सभी लोग आए, तो ये हम अपने को धन्यवाद। और कार्यकर्ताओं ने राम राज लाने के लिए जय श्री राम और जय निषाद राज का नारा, और इन मोदी जी की नीतियों को अपने लोगों को बताकर, जो कार्यकर्ता पहले इनके ऊपर पौआ और पैसा के लिए भी लगा था कि ये बिरादरी पौआ पी लेती है, पैसा पी लेती है, वोट दे देती है, तो इस पर इन्होंने इस मिथ्या को तोड़ दिया। और इस बार 2017 से मैं जब से आया हूँ, 2013 से जो 2014-2017 चुनाव हुआ, 2019 हुआ, लेकिन 2022 में उन्होंने 100% साबित कर दिया कि अब हम पौआ पैसा वाले नहीं, हम लोग पार्टी वाले हैं, और पार्टी वाले हैं और पावर वाले हैं। अब पावर मोदी जी योगी के पास है, भाजपा के पास है, पावर पैसे और पौआ में नहीं है, इसलिए उसके बाद उन्होंने मुंह मोड़ लिया। और हमारे लोगों कहने पर NDA को मान के कि एक बटन दबाएंगे, जब भोजन भरी थाली दबाएंगे तो अनुप्रिया पटेल और मोदी और योगी को पाएंगे, और उनके लोगों ने देख लिया कि भाई हम जो है कप प्लेट दबाएंगे तो डॉक्टर संजय मोदी योगी को पाएंगे, और कमल दबाएंगे तो फिर मोदी जी योगी और डॉक्टर संजय अनुप्रिया को पाएंगे। तो एक बटन दबाने से चार नेता पाएंगे और चार एक समूह के नेता पाएंगे, तो इसीलिए उन लोगों ने उनको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि हम लोगों की नीतियों पर भरोसा किया और हम लोगों पर भरोसा करके इस बार प्रचंड बहुमत दिया, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग जो जिम्मेदारी मिली है मंत्रालय की, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं खरा उतरूँगा, और एक एक मेरे को आवास मिला है, आवास वो आवाम के लिए है, हमने कल रात में बता दिया कि ये उनके लिए है जिनको सदियों से न्याय नहीं मिला है, शोषण हुआ है,
निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, उनका आश्रय है। हम लोग तो गांव में सोने वाले आदमी हैं, 24 घंटे के लिए उनके सेवा खुला रहता है और हम जितना हो सकता है अपने विभाग के साथ साथ हर विभागों से जहां से उनको न्याय दिला सकता हूं सबसे बातचीत करके न्याय दिलाता रहता हूं। जी संजनी साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात कही आगे ही। और ऐसे शख्सियत के इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं।